इसरो ने आज यानी 23 जून को लगातार तीसवीं बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। पुष्पक ने तेज हवाओं के बीच एडवांस ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सुबह 7:10 पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के तीसरे और फाइनल टेस्ट को अंजाम दिया गया। पहला लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 अप्रैल 2023 और दूसरा 22 मार्च 2024 को किया गया था। आरएलवी लेक्स 1 और आरएलवी लेक्स 2 मिशन की सक्सेस के बाद आरएलवी लेक्स 3 में और ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस में ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया गया। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया।